सो बेसिकली दिस टाइम पीरियड फॉर अर्ली समर, समर्स आ ही गया है बिकॉज इस टाइम पे जो महीना चल रहा है वो मार्च का आ चुका है। इस टाइम पे आपको सनबर्न और यू कैन से सन टैन बहुत ज्यादा जल्दी से हो जाएगा बिकॉज इस टाइम पे हमारी जैकेट्स, हमारी स्वेटर्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विंटर्स हो या फिर समर्स हो, आपको अपनी स्किन के लिए केयरफुल तो होना होता है बिकॉज दोनों ही टाइम पे आपका सन एक्सपोजर अगर हो जाता है तो आपको सन टैन हो ही जाता है। समर्स में, इन गर्मियों में आप अपनी स्किन को कैसे केयर कर सकते हो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज्योति। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर यूजफुल वीडियो विद यू। यस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन। इन गर्मियों में, इन समर्स में आप अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो सूरज से, आप सन टैनिंग से, सन बर्न से कैसे प्रोटेक्शन पा सकते हो। सो इसका ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन निकलता है वो आपका SPF से निकलता है, इट मींस सनस्क्रीन से निकलता है। तो आपको कैसे अप्लाई करनी है, क्या पता आप कोई गलत तरीके से सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो या फिर अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती हो तो आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए वो भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। बेसिकली मेरी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रखे हैं जिसमें मैंने क्लियरली आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी दे रखी है बट स्टिल मुझे उसमें कमेंट्स आ ही जाते हैं। सारे कमेंट्स को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है और सारे कमेंट्स का, उन सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आंसर देने वाली हूँ। मोस्टली जो भी कमेंट्स मुझे सिमिलर लगे थे, सेम क्वेश्चन थे, तो मैंने उन्हें रिपीट नहीं किया है, सबको मैंने एक ही क्वेश्चन बना के यहाँ पर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। जान लेते हैं कि आप लोगों ने मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हमें सनस्क्रीन विंटर्स में लगाना चाहिए या फिर समर्स में लगाना चाहिए, मीन्स विंटर्स में इसकी नीड है या नहीं, हमें सनस्क्रीन क्यों यूज करना चाहिए, हमें सनस्क्रीन कौन सी वाली यूज करना चाहिए, SPF का मतलब क्या होता है, हमें इसे रीअप्लाई कब करना चाहिए, कौन सी एज वाले से यूज कर सकते हैं, सनस्क्रीन के कितने फॉर्म्स होते हैं, A++ का मतलब क्या होता है, कौन कौन से स्किन टाइप से यूज कर सकते हैं, ऑल ओवर काफी सारे मुझे क्वेश्चन आए थे और सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी सनस्क्रीन प्रिफर करती हूं। क्वेश्चन इज व्हाई यूज सनस्क्रीन, हमें सनस्क्रीन क्यों यूज करना चाहिए। सो यार द आंसर इज, इफ यू लव योर स्किन एंड डोंट वॉन्ट टू डैमेज योर स्किन एनी मोर सो यूज इट राइट नाउ। अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हो, अपनी स्किन को और ज्यादा डैमेज नहीं होने देना चाहते, जो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या क्या इसके डैमेज होते हैं हमारी स्किन में, आपको सनस्क्रीन को जरूर यूज करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। ऑल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंशन पे पहले ही ध्यान दे दोगे, प्रिकॉशंस पहले ही ले लोगे, तो आपको कोई भी डिजीज नहीं हो पाएगी। सन टैन इज ऑल्सो अ डिजीज फॉर आर स्किन। हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन कोई सा भी, हमारा स्किन का कोई सा भी टोन हो, हमारा डार्क में आता हो या फिर फेयर में आता हो, अगर हम सूरज की रोशनी को फेस करते हैं तो हार्मफुल रेस हमारे स्किन को टैन भी देती है, बर्न भी करती है। एक बार टैनिंग हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, तो उसको दोबारा से ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिंपल सा आंसर है कि आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना है। सनस्क्रीन आपकी स्किन में एक लेयर प्रोवाइड करता है जिससे आपकी स्किन में बिल्कुल भी टैन या डैमेज नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सनस्क्रीन कौन कौन यूज कर सकता है। सो इफ यू आर टीनेजर, अगर आप टीनेज में चल रहे हो तो यहाँ से आप सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कर सकते हो। 13 से आप इसे इजीली लगा सकते हो बिकॉज जो सूरज है उसकी UVA एंड UVB रेज होती है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। UVA का मतलब एजिंग से समझ सकते हो, UVA हार्मफुल रेज हमारी स्किन के कॉन्टेक्ट में आती है तो हमारी स्किन में प्री मेच्योर एजिंग साइंस नजर आने लग जाते हैं। एट द सेम पॉइंट UVB का मतलब आप यहाँ पर बर्न से ले सकते हो, हमारी स्किन को ये अच्छे से बर्न कर देता है। जहाँ बात रही UVA की, तो हमारी स्किन की इनर लेयर को अच्छे से डैमेज कर देता है जिससे हमारी स्किन में रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड रही बात UVB की, इज ऑल्सो अ हार्मफुल रेज जो हमारी आउटर लेयर को, इट मीन्स एपिडर्मिस को डैमेज करती है, हमारे स्किन के कोलेजन टिश्यू को भी अच्छे से डैमेज कर देती है, सो डिस्ट्रॉय कर देती है। यूवी हार्मफुल रेज हमारी स्किन कैंसर का भी एक रीजन बन जाती है। तो यार अब बात कर लेते हैं SPF का मतलब क्या होता है। SPF फुल फॉर्म इज सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। जितने ज्यादा सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर होंगे उतना ज्यादा आपकी स्किन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब बात कर लेते हैं हाउ टू यूज इट। इससे रिलेटेड मुझे काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें इसे स्किन केयर की बात करना है, स्किन केयर से पहले करना है, मेकअप की बात करना है, मेकअप से पहले करना है, अगर हम मेकअप से पहले कर देंगे तो स्किन को ये प्रोटेक्ट कैसे करेगा। आफ्टर CTM प्रोसेस, CTM मींस क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, इसके बाद आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना है, देन आपको मेकअप अप्लाई करना है। जो भी आपका रेगुलर मेकअप होगा whatever, वो आप अप्लाई करके इसे बाहर जा सकते हो। एंड मेक श्योर आपको 15-30 मिनट्स पहले सनस्क्रीन अप्लाई करना है बिकॉज इसको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने के लिए एंड अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए। लोग सनस्क्रीन
लगाते साथ बाहर निकल जाते हैं तो उस लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाई स्किन में प्री मेच्योर एजिंग साइंस आते हैं, इट मींस रिंकल्स आते हैं, झुर्रियां आ जाती है, डार्क पिगमेंटेड एरिया बन जाते हैं डॉट डॉट करके, किसी किसी के तो काफी सारा पिगमेंटेशन हो जाता है, सर्कल्स आ जाते हैं, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन का कोलेजन टिश्यू डैमेज होता है। एक कॉमेंट मुझे ऐसा भी आया था कि हम सन से बस प्रोटेक्शन ही लेते रहेंगे तो हमें विटामिन डी कैसे मिलेगा। इसका आंसर सिंपल सा है कि अगर हम ओवर सन एक्सपोजर करते हैं तो आपको टैनिंग, बर्न एंड जितने भी मैंने यहाँ पर डिसएडवांटेजेस आपके साथ काउंट करे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से स्किन टाइप के लिए कैसा सनस्क्रीन जाता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जितने भी ऑयली स्किन वाले होते हैं उन सबको अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड ही प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। जैसे ड्राई स्किन के हैं उनको लोशन में क्रीमी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, नॉर्मल वाले तो कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। बात करते हैं PA++++, इसका मतलब क्या होता है। सो एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ अ फैक्टर ऑफ सनस्क्रीन, ये भी सनस्क्रीन का एक फैक्टर के रूप में ही काम करता है हमारी स्किन के लिए। अगर आपके सनस्क्रीन में SPF भी है प्लस आपके सनस्क्रीन में PA++, PA++++ इस तरह के फैक्टर देखने को मिलते हैं, इट मींस आपका सनस्क्रीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास होने वाला है। क्वेश्चन आता है कि हम इसे रीअप्लाई कब कब करना है। अगर आपका SPF 30 से नीचे है तो आपको डेफिनेटली इसे रीअप्लाई करने की जरूरत है, इट मींस आपको हर 2 घंटे में हर 3 घंटे में रीअप्लाई करना होगा। नेक्स्ट इज कौन कौन से फॉर्म्स में सनस्क्रीन अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो फर्स्ट आपका पाउडर फॉर्म में आता है जो ऑयली स्किन के लिए काफी बेस्ट रिजल्ट देता है, जिससे आपका ऑयल कंट्रोल भी हो जाता है। आपका क्रीमी फॉर्म लोशन में भी आ जाता है जो ड्राई स्किन के लिए काफी बेस्ट रिजल्ट देता है, उनकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आपका ऑयली स्किन के लिए जेल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, काफी सारे मेकअप कॉस्मेटिक्स में स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी SPF प्रोवाइड किया जाता है। सो या आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट विच इज इन द रेंज ऑफ श्लोका ऑफ मोदी केयर सनस्क्रीन क्रीम SPF 30, इट इज ऑल्सो PA++++, हैज गोटू कोला एंड कुकुम्बर एंड इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप सुटेबल। सो ये मेरे लिए कैसे वर्क करता है, इसने मेरे लिए कैसा कैसा असर किया है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, इसका प्राइस, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसकी पूरी डिटेल्स ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल पे जरूर विजिट करिएगा, वहां पर आपको इसकी सेपरेट वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। ये आपका समर्स बिल्कुल भी टैनिंग के साथ नहीं जाना चाहिए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, अगर रही हो तो मेक श्योर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड मेरे चैनल पे आप 50K सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कर दीजिए, एंड मेरा जो टारगेट है वो है मेरे बर्थडे तक का। सो या कीप सपोर्टिंग मी टिल देन, बाय बाय।